कोटागरा ग्राम पंचायत ढेंकनाल जिला के मुख्य कार्यालय और कामाख्या नगर ब्लॉक से 17 किलोमीटर की दूरी पर है कोटागरा ग्राम पंचायत। कुल आबादी के 45% हैं अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोग। राज्य में बाल विवाह और कन्या भ्रूण हत्या के मामलों में इस जिले का नाम पहले आता है। इन कुप्रथाओं को दूर करने और एक बाल हितैषी पंचायत बनाने का बीड़ा उठाया वहां की महिला सरपंच सुलोचना दलाई ने। छोट पिला हसिले सारा दुनिया हसिबो, तेणु करके मो पदक्षेप रहा छोट पिला जन्म हबाठु जे पर्यंत 18 वर्ष पर्यंत पिला माने केमिति भाबरे सुविधा सुजोग रु वंचित न हेबे। बच्चे किसी भी देश का भविष्य हैं। इसी सोच के साथ बच्चों की सुरक्षा और उनके जीने के अधिकार को सुनिश्चित करते हुए उनके सर्वांगीण विकास का संकल्प लिया है सुलोचना ने। पंचायत के कुल 9 आंगनवाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। बच्चों के पढ़ने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे डेस्क और बेंच की व्यवस्था की गई है। दीवारों पर बनाए गए हैं रंग बिरंगे चित्र। सिर्फ इतना ही नहीं, बच्चों को सही पोषण उपलब्ध कराने के लिए पोहा, बेसन आदि के लड्डू, अंकुरित मूंग आदि दिए जाते हैं। और यह सब होता है सुलोचना जी की प्रत्यक्ष देखरेख में। सभी आंगनवाड़ी केंद्रों और गांव के कुछ परिवारों के घर परिसर में किचन गार्डन बनाए गए हैं। बच्चों में 100% टीकाकरण को सुनिश्चित करते हुए उम्र के अनुसार बच्चों की बढ़ती ऊंचाई और वजन की नियमित जांच कर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य ऊपर आम गुरुत्व बेसी दौ शुक्रवार मंगलवार फलिक एसिड खोजु खाई सारा दि जा। पंचायत स्तर की बाल सुरक्षा समिति को सक्रिय किया गया है जहां बच्चों की शिकायतों और समस्याओं की सुनवाई होने के साथ साथ उनका हल भी निकाला जाता है। बच्चों में छिपी प्रतिभा को उभारने के लिए हर साल पंचायत की ओर से टैलेंट सर्च कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों की नवसृजन प्रतिभा उजागर होने के साथ साथ विकसित भी हो रही है। इन सब कार्यक्रमों के कारण पंचायत में अब बाल श्रमिक की प्रथा का भी अंत हो पाया है। आधी पढ़ाई के बाद स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या अब शून्य हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरपंच की कोशिशों के कारण बच्चों को हिंसा से सुरक्षा मिल रही है। आम पंचायत को आम एभली भाव गढ़ी तोड़ू जो अर्बन एरिया रो जो सुविधा सुजोग सब पाई गांव पे यार वंचित न होंतु। खेल को भी कैरियर बनाया जा सकता है। इस बात को समझते हुए खेल संस्कृति के विकास के लिए ग्राम पंचायत हर वर्ष वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रही है। इन प्रतियोगिताओं में सफल होने वाले विद्यार्थियों को जिला स्तर पर आयोजित होने वाले खेल प्रतिभा अन्वेषण कार्यक्रम में भेजा जा रहा है। इसलिए विद्यालय के समीप बनाया गया है खेल का मैदान। हमें निजे निजर निष्पत्ति नहीं पार्छू से बहुत खुशी अच्छू। कोटागरा पंचायत में 50 लाख रुपयों की लागत से 20,000 वर्ग फीट जमीन पर एक सुंदर पार्क बनाया गया है जहां बच्चों के मनोरंजन के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आम ग्रामर्तिया पार्क रे जिम उपकरण अच्छी एठारे आम प्रतिदिन पिला माने एक्सरसाइज करचू एहा हमको सुस्थ रखियार सहायता करचू। पंचायत के सभी स्कूलों में दोपहर के समय विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन की नियमित जांच होती है। उधर 10वीं कक्षा पास कर रहे विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के लिए दाखिले को भी पंचायत द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। दिव्यांग बच्चों के लिए सभी जगहों पर रैंप की सुव्यवस्था की गई है। बालिका मानकर बहुत सारा उन्नति करछन्ति, सेमानकर सर्वांगीण उन्नति पै मध्ये चेष्टा करछन्ति। स्वास्थ्य तथा सभी विकास कार्यों में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए महिला सरपंच के नेतृत्व में कोटागरा एक बाल हितैषी ग्राम पंचायत बनने की दिशा में काफी आगे निकल चुकी है।